हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल देसवाल ऑनलाइन को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और एलसीएल लो साथियों की अगर हम बात करें तो उनके लिए आज का वीडियो खतरे की घंटी के समान है। खतरे की घंटी क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, आज क्रेडिट विभाग द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। लेटर में कहा गया है कि सीपीएल लो साथी जो है लगभग 3400 के करीब जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वे साथी उनको जो गांव अलॉट किए गए हैं उसके अलावा उनको एक एक दो दो गांव और भी अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक पंचायत में एक सीपीएल होना चाहिए तो उस हिसाब से जो गांव खाली थे, जो पंचायतें खाली थी, अब सरकार ये चाह रही है कि उनमें जो सीपीएल पहले से लगे हुए हैं उनको ही बाकी पंचायत अलॉट कर दी जाए। तो आज की वीडियो सभी एलसीएलओ साथी जो हैं उनकी तरफ से सीपीएलओ भाइयों के लिए एक हाथ जोड़कर प्रार्थना की वीडियो है। प्रार्थना की वीडियो इसलिए है कि पहले सुनने में आ रहा था कि जो भी एलसीएलओ साथी हैं और वे ऐसे गांव में हैं उनकी पोस्टिंग, अगर जहां पर कोई सीपीएलओ नहीं है तो इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको सीपीएलओ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज का जो लेटर आया है, पहली बात तो बता दूं कि लेटर कुछ भाई कह रहे हैं ये हो सकता है फेक है, ये है, हमने ये कंफर्म कर लिया है लेटर ओरिजिनल है, लेटर फेक नहीं है। और इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये एलसीएलओ भाइयों के लिए खतरे की घंटी है। तो सबसे पहले तो जितने भी पूरे हरियाणा से सीपीएलओ भाई हैं, मैं सभी एलसीएलओ भाइयों की तरफ से उनके आगे एक हाथ जोड़कर और भाईचारे में एक निवेदन करना चाहूंगा कि भर्ती के शुरू वाले दिन से लेकर आज तक हर स्थान पर एलसीएलओ साथियों ने बराबर का साथ दिया है, सहयोग किया है। 16 तारीख को जब रोहतक में भी सब इकट्ठे हुए तो भी एलसीएलओ साथी बढ़ चढ़कर उसमें साथियों ने हिस्सा लिया और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ये लेटर निकाला जाना ये दर्शाता है कि सरकार को एलसीएलओ की जरूरत नहीं है। और जो एलसीएलओ साथियों को लगाया गया था वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति थी क्योंकि वो लोकसभा चुनाव से पहले की बात थी। तो ऐसे में बता देना चाहता हूं कि सभी साथियों से कि एक तो वे निराश बिल्कुल ना हो क्योंकि हमारे पास भी जो एलसीएलओ साथियों के पास भी क्वालिफाइड का लेटर है जो विभाग और कुछ लोगों द्वारा एक आ रहा है कि आप तो क्वालिफाइड ही नहीं हो। तो दुनिया में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है दोस्तों जहां पर उस बंदे को भी ऑफर लेटर मिले जो कि क्वालिफाइड ना हो। और क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमें लगाया गया है और बिना किसी वजह से ऐसे उनको हटाया नहीं जा सकता। अगर कल को हटाया जाता है तो फिर भर्ती पर देखो केस होगा क्योंकि आज के टाइम पे भाई जरूर दो दो पेपर पास करके और किसी भर्ती में यहां तक पहुंचना छोटी बात नहीं है। सबने मेहनत करी है, अपनी मेहनत का हक मांग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीपीएलओ साथी हैं अभी तक काफी लोगों से बातचीत हुई है, पहले भी ऐसा सुनने में आया था तो पहले भी सीपीएलओ साथियों ने बोल दिया था कि नहीं हम अलग गांव इसके अलावा इससे ज्यादा गांव नहीं लेंगे। तो अब भी सभी सीपीएलओ साथी जितने भी प्रधान बने हुए सीपीएलओ के उनसे भी निवेदन है कि वे
बाकी लोगों तक भी इस बात को, संदेश को पहुंचाएं, और जितने भी एलसीएलओ भाई हैं, सीपीएलओ भाई हैं, सबसे निवेदन है कि देखो एकता बनाए रखें। अभी तक जो कुछ भी हासिल हुआ है, जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नाम डाला गया है, और भी जो कुछ भी भर्ती में पॉजिटिव दिख रहा था, वो एकता की वजह से ही संभव हो सका है। तो मतलब एलसीएलओ का तो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाएगा अगर ये ज्यादा गांव सीपीएलओ को दिए जाते हैं, तो एलसीएलओ का कुछ नहीं बचेगा। और इस वजह से देखो इसके इसके आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी भी नहीं मिलेगी, जो 6000 रुपए मिल रहे हैं वही 6000 मिलने हैं, काम का प्रेशर आपके बढ़ने वाला है। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल जाए, पर लेकिन समय के साथ देखो सैलरी भी बढ़ जाएगी, कोशिश जारी रखेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे। तो ऐसे में सबसे यही निवेदन है कि भाई कोई भी सीपीएलओ साथी इस बात की हां विभाग को ना भरे कि हम एक से ज्यादा गांव लेने के लिए सहमत हैं। अभी आपको उस लेटर की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो लेटर है जो आज विभाग द्वारा जारी किया गया है, कृषि डिपार्टमेंट द्वारा, और ये सभी एडीसी के पास भेजा गया है। इसमें लिखा गया है कि allocation of more than one panchayat to CPLO cum ASKO and additional remuneration, ये आदेश जारी किया गया है कि भाई CPLO को एक से ज्यादा पंचायत दी जाएंगी। In case of more than one being map in CPLO as ASKO, और उसके लिए उनको अलग से कुछ मेहनताना भी मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और जो लोग इनमें के डाटा आएगा अदर पंचायत का, उसका भी काम उनको करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों अब तक जो संभव हो चुका हुआ है, ये आपसी एकता के बल पर ही हुआ है। अब ये बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा एलसीएलओ का अगर ऐसा अमल में लाई जाती है तो चीज। तो इसलिए जितने भी एलसीएलओ हैं उनका भी आप सीपीएलओ भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, और उस चीज का सोचना चाहिए कि भाई देखो आज एलसीएलओ को सीपीएलओ के सहयोग की जरूरत है। अब तक एकता से ही सारी चीजें कामयाब हुई है, और आगे भी एकता के बल पर ही इस भर्ती का कुछ संभव है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को हर सीपीएलओ भाई को जरूर शेयर करें ताकि वो इस बात पर ध्यान दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।